इस क्लास में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म और एंडीम रिएक्शन सिखाऊंगा। तो आज ये पहली नेम रिएक्शन लोग सीखने जा रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप आपके पास होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है तो इसके इस सी डबल बॉन्ड ओ के एडजेसेंट में जो कार्बन होता है, ये कार्बन होता है अल्फा कार्बन। ठीक है, इस डबल बॉन्ड ओ के पास जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन होता है, इस पे जो हाइड्रोजन होगा इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है अपना, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अल्फा हाइड्रोजन ये एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से H निकाल लोगे ना तो इस C पे माइनस आएगा और ये माइनस रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो एसिडिक होता है। ठीक है, कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ के पास जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बेसिक कंडीशन है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए रिएक्शन आपकी कैसे होती है। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 2CH3CHO ले लिया हम लोगों ने, और OH माइनस ले लिया बेस, ठीक है ना। तो CH3CHO है और ये आपका एल्डिहाइड है, उसके पास कार्बन है, उसके ऊपर क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। कंडेंसेशन क्या मतलब होता है, दो मॉलिक्यूल जोड़ना। तो इसका प्रोडक्ट, पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ फिर बताऊँगा कैसे बनेगा। तो इसका प्रोडक्ट होगा CH3CHOH CH2CHO, ये इसका प्रोडक्ट किया गया। CH3CH यहाँ पे एक H जोड़ दिया। देखिए प्रोडक्ट की ट्रिक क्या है कि यहाँ पे एक H जोड़ दिया और इसको पीछे से लाके उसके आगे जोड़ दिया। ठीक है, क्या किया, CH3CH OH, और इसको पीछे से लाके जोड़ दिया, तो CH3CH OH CH2CH CHO। ठीक है, इसके मैकेनिज्म मैं बताता हूँ आपको, मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने एक CH3CHO लिया और बेस ले लिया। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए ऐसा बन जाएगा CH2 minus COH plus H2। अभी आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल है। अब हम लोगों ने दो मॉलिक्यूल लिए, एक मॉलिक्यूल को अपने न्यूक्लियोफाइल बना दिया, तो ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल बना है ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अब क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, तो CH3CO H plus CH2 minus COH, ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो होगा क्या कि ये इस पे ऐसे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। अब यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होता तो इसको छोड़ के चला जाता। जैसे देखिए ऐसे देखिए आप, अगर RCO और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है ना, लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, लिविंग ग्रुप हो सकता है X माइनस हो सकता है, RO माइनस हो सकता है, RCOO माइनस हो सकता है ना, ऐसा कुछ हो, या ऐसा हो, इसको क्या बोलते हैं, ये OTS बोलते हैं, टॉसिल बोलते हैं इसको। ये क्या आपका OTS है, टॉसिल। ऐसा भी कुछ कुछ भी हो, लिविंग ग्रुप हो कुछ,
तो ऐसा अटैक करने पे लिविंग ग्रुप निकल जाता है। अगर इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अगर लिविंग ग्रुप नहीं है यहाँ पे तो एडिशन होगा, अगर लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। लिविंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, लिविंग ग्रुप नहीं है तो एडिशन होगा। मीन्स अगर लिविंग ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाता, अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं है, मान लीजिए आर डैस है, तो ये हो जाएगा आर सी ओ माइनस, ये आर डैस हो जाएगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये इस पर अटैक किया और ये ऐसे हो गया, ऊपर चला गया, तो कैसा बन जाएगा, सी एच थ्री सी ओ माइनस एच सी एच टू सी एच ओ, ठीक है ना। अब अपने पास एच टू है तो ओ माइनस की जगह आगे वो हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी ओ एच एच सी एच टू सी एच ओ, ठीक है ना। देखिए ये एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, ठीक है, तो इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड भी मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल रहा है और अल्कोहलिक ग्रुप भी मिल रहा है। फिर इसको अगर आप हीट करोगे ना तो वाटर निकल जाएगा, हीट करने पे वाटर निकलेगा, तो वाटर ऐसे ही निकालो आपकी इससे रेजोनेंस मिल जाए। अगर आप ये ओ एच और ये एच निकालोगे तो इसके साथ रेजोनेंस नहीं मिलेगा, अगर आप ये ओ एच और ये एच निकालोगे तो इसके साथ रेजोनेंस मिल जाएगा। मतलब कुछ ऐसा बनाना, सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ, ठीक है। अब देखिए इसके पास ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बनता है एल्डोल में, ये भी ध्यान में रखिए कि ये बीटा पोजीशन पे है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बन रहा है। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, कि जो भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद बनता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, हीट करने पे वाटर निकल जाता है, ये क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये दोनों एल्डिहाइड सेम थे, दोनों सेम एल्डिहाइड थे, इसलिए आप इसको बोल सकते हो सेल्फ एल्डोल बोल सकते हो, सेल्फ एल्डोल, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड सेम है। ये पहला केस हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में हम लोग लेने जा रहे हैं, एक एल्डिहाइड लेंगे और उसके साथ एक कीटोन लेंगे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अब लेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, सेकेंड केस सिखाता हूँ आपको, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेंगे तो टोटल फोर प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे देखिए बताता हूँ। इस बार हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग लेने जा रहे हैं सी एस थ्री सी ओ एच सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री, एक एल्डिहाइड ले रहे हैं और हम लोग एक कीटोन ले रहे हैं, ठीक है। एक एल्डिहाइड और कीटोन लिए तो बना टोटल टोटल फोर प्रोडक्ट, टोटल फोर प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, मैं वो चारों प्रोडक्ट लिखता हूँ क्या, ये न्यूक्लियोफाइल बने, ये न्यूक्लियोफाइल बने और इस पे अटैक कर दें, पहला प्रोडक्ट ये न्यूक्लियोफाइल बना और इस पे अटैक कर दिया, मतलब क्या बना, देखिए सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब डिफरेंट हो, मतलब कि दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा ये खुद पे अटैक कर दे, तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी ओ एच एच सी एच टू
सी एच ओ, ये खुद पे अटैक कर रहा है, ये खुद पे अटैक कर रहा है, तो ये आपका सेल्फ हो गया। थर्ड क्या हो गया, ये इस पे अटैक कर दे, ये न्यूक्लियोफाइल बने और इस पे अटैक कर दे, तो क्या हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच ए एच सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, तो ये क्रॉस हो गया। फोर्थ केस क्या पॉसिबल है, कि ये खुद पे अटैक कर दे, तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच थ्री, ये सेल्फ हो गया। तो ये चार पॉसिबल केस हैं, ये चार प्रोडक्ट बन सकते हैं। आपको ट्रिक समझ में आ रही क्या कर रहा है, ट्रिक ये कि ओ एच माइनस आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल बना रहा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल बनता है ना वो डायरेक्टली जोड़ दीजिए, और जहाँ पे अटैक कर रहा है उसको ओ एच कर दीजिए। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल बना है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो इसको ओ एच बना दिया हम लोगों ने, देखे, और दूसरे को लाके वैसे ही जोड़ दिया, तो ये क्रॉस हो गया। अब फिर ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, इस पर अटैक कर रहा है, तो इसको ओ एच कर दिया, सी एच टू से लाके जोड़ दिया, सेल्फ हो गया। फिर ये इस पर अटैक कर रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बना, तो ये सीधा लाके जोड़ दिया एच निकाल के, इस पर अटैक कर रहा है, तो सी एच ओ एच हो गया, ठीक है ना। तो दो क्रॉस बने और दो सेल्फ बने। अब इसमें बताना है कि मेजर कौन सा है, ठीक है ना, आपको बताना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो इन जनरल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में मेजर कौन सा है, एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बन के कीटोन पर अटैक कर रहा है वो मेजर होगा, कि कीटोन न्यूक्लियोफाइल बन के एल्डिहाइड पर अटैक कर रहा है वो मेजर होगा, वो हम लोग को डिसाइड करना है, ठीक है। कि कीटोन न्यूक्लियोफाइल बन के एल्डिहाइड पर अटैक कर रहा है वो मेजर होगा, कि एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल बन के कीटोन पर अटैक कर रहा है वो मेजर होगा, ठीक है ना। इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट्स आर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो देखिए कीटोन को न्यूक्लियोफाइल बनाना ज़्यादा सही है, क्योंकि कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो उनकी न्यूक्लियोफाइल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और एल्डिहाइड पर अटैक इसलिए अच्छा होगा क्योंकि एल्डिहाइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सी3 एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एल्डिहाइड पर अटैक अच्छा होगा। और कौन अच्छा अटैक करेगा, कीटोन, कीटोन को न्यूक्लियोफाइल बना के एल्डिहाइड पे जहाँ पे अटैक करेंगे वो वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ऐसा कहाँ भी किया हम लोगों ने, ये देखिए ये किया है ना हम लोगों ने, तो ये हमारा मेजर है, ये ओवरऑल हमारा क्रॉस का मेजर प्रोडक्ट है। सेल्फ में अगर बात करें कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड पर अटैक कर रहा है और कीटोन कीटोन पर अटैक कर रहा है, तो कौन सा मेजर होगा, तो जब एल्डिहाइड एल्डिहाइड पर अटैक करेगा तो मेजर होगा, क्योंकि सेल्फ की बात कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि अटैक वहाँ पर होना चाहिए जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है। तो याद रखिएगा टोटल चार प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन चारों प्रोडक्ट में कैसे बनाया, एल्डिहाइड एल्डिहाइड पर अटैक कर रहा है, एल्डिहाइड कीटोन पर अटैक कर रहा है, कीटोन न्यूक्लियोफाइल बन के एल्डिहाइड पर अटैक कर रहा है, और कीटोन न्यूक्लियोफाइल बन के कीटोन पर अटैक कर रहा है। टोटल चार प्रोडक्ट बने, दो क्रॉस हैं दो सेल्फ हैं। क्रॉस वाला मेजर कौन सा होगा, जिसमें कीटोन न्यूक्लियोफाइल बन के एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बनाया, ट्रिक क्या लगाई, देखिए ट्रिक लगाई कि जहाँ पे अटैक करवाइए उसको ओएच कर दीजिए और दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाके उसे जोड़ दीजिए। तो आगे की क्लास में, यहाँ तक हमने थोड़ा सा एल्डोल सीखा, आगे की क्लास में हम लोग इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन सीखेंगे।